वो किसी और के आइडेंटिटी पे नौकरी कर रही है और जिसका आईडी कार्ड है वो उसके घर गई है उसे मनाने के लिए, और ये सब हयात इसलिए कर रही है क्योंकि आप उसे वापस ना ले जाए, और इसलिए वो भागी है। अब यहाँ क्यों रुक गए? गैस खत्म हुआ है। अभी खत्म होना था इसे। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, फुल कर दीजिए। हम जरूर फंसने वाले हैं, हमें जल्दी करना चाहिए। ये क्या हाल हो गया मेरा? हयात शक्ल देख अपनी यार, पता नहीं जब वो लड़की तुझसे मिलेगी तो तेरे बारे में क्या सोचेगी। मतलब पता नहीं उसका क्या जाता अगर वो कुछ दिनों के लिए शांत हो जाती। उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सारा काम तो मैं ही कर रही हूँ। बताइए कितने पैसे हुए भैया? 320 सर। 320? 320? तो बताओ ये कौन सी वाली चॉकलेट्स है? आपका मतलब? मेरा मतलब ये चॉकलेट्स खिलाने से लड़कियां सच में पट जाती हैं क्या? ऐसे ऐड तो आते हैं। और वो ब्लड शुगर भी कम करता है, और वो हमें थका भी देती है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब खुशी भी देती है और थका भी देती है। हाँ, चॉकलेट के बारे में कितना ज्ञान है आपको। अगर आप थोड़ी जगह देंगे तो मैं भी कुछ ले पाऊँ। अरे आप अभी तक यही खड़े हैं? आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं, मैंने नहीं पहचाना। आप वही हैं, आप जरूर वही हैं। यही सही वक्त है, यही वो वक्त है जो किस्मत ने तय किया था। मैं कब से आप ही का इंतजार कर रहा था। सबने कितना कहा कि शादी कर लो, पर मैंने नहीं की। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपनी शहजादी का इंतजार कर रहा था और उसी से शादी करने के लिए रुका हूँ। और देखिए आप आ गई। आपकी किस्मत में मैं ही लिखा हूँ। करीम नाम है मेरा। पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। रात होने वाली है और मुझे गुस्सा मत दिलाइए। आप हट जाइए ताकि मैं अपना काम कर पाऊँ। हाय कितनी प्यारी लगती हो जब गुस्सा होती हो। मैं ऐसी लड़की के सपने देखा करता था। फिलहाल हम दोनों यहाँ से निकलकर अपने अपने रास्ते जरूर जाएंगे, पर हम फिर मिलेंगे। मैं तो जरूर मिलूंगा। देखिए जरा देखिए, वहाँ रास्ता दिख रहा है? दिख रहा है। वही रास्ते से निकल जाइए। अरे वाह, तुम स्मार्ट भी हो। क्या एटीट्यूड है, मजा आ गया। आई बात समझ में? अच्छा समझ गई मैं। ओके, अब सीधे जाकर आपके गाड़ी में बैठिए, वहाँ से रास्ता क्रॉस कीजिए और फिर वहाँ से यू टर्न लीजिए और फिर आप वहाँ से सही जगह पहुँच जाएंगे। समझ गए? क्यों, क्या है वहाँ पर? हॉस्पिटल। आपका दिमाग खराब है, जरा जाकर चेकअप कीजिए और उनसे अपना हार्ट भी चेक कराइए। कब से बकवास कर रहे हैं, हटिए मेरे रास्ते से। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन ही तो मांगे थे। पता नहीं उसका क्या चला जाता अगर 3 दिन देती। मुराद सर, तो अब आप कार की खिड़कियों के साथ भी लड़ाइयाँ करती हैं? नहीं, मैं तो खुद से ही लड़ रही हूँ। तो आपने सही पता ढूंढ लिया? मैं भी यही कहने वाली थी। अब से मुझे लगता है आपके आजू बाजू वाले लोग आपसे कम परेशान रहेंगे। काम पर मिलते हैं।
क्या बोलने वाला कल मिलते हैं। इसे कौन बताएगा कि इलाज की जरूरत मुझे नहीं इसे है। सुना तुमने? क्या पागल आदमी था। इन मर्दों को ना बिल्कुल शर्म नहीं होती। सब एक जैसे। तुम किसकी बात कर रही हो? मैं अपने उस खड़ूस बॉस मुराद की बात कर रही हूँ। और तुम? मुझे भी एक बेवकूफ मिला था, पता नहीं कौन था। दादी जान, सबसे पहले मैंने ही आपको लाइक किया और मैं हर रोज आपको पोक भी करूंगा। मैं ही आपको सबसे ज्यादा लाइक करता हूँ। मुझे ताने देने की जरूरत नहीं है, मैं भी रोज पोक करूंगी। और अगर ये बुरी चीज निकली ना तो तेरी खैर नहीं, समझ गए? आप मुझे 3 महीनों तक गूगल पर ही सर्च करती रहती दादी जान। पर अब जरा खुद को देखिए आप इंटरनेट के गुलाम बनने वाली हैं बड़ी सासिलमास। मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ, मेरा मकसद कुछ और ये है। रुक जा, तुझे दिखाती हूँ। ओके लीजिए, हो गया। चलिए अब हम प्रोफाइल फोटो अपलोड करते हैं दादी जान। दादी जान आप ऐसी फोटो लगाइए कि दीवाने हो जाए सब आपके। बिल्कुल नहीं, कोई मेरा फोटो क्यों देखेगा भला। तुम्हारे पापा ने उस दिन जो डिश की फोटो ली थी ना वो लगा दो। दादी जान खाने की फोटो कौन लगाता है? ध्यान से सुनिए, इस प्लेटफॉर्म से आप अपना प्यार भी ढूंढ सकती हैं। एक से एक बुड्ढे मिलेंगे, पटा लीजिएगा। बहुत बदमाश हो गया है तू। अपने दादी से ऐसे कोई बात करता है? दुरुख, हम बाहर जा रहे हैं, गुड नाइट। आप दोनों की जोड़ी कायामत ढा रही है। वैसे पापा मैंने आपको दादी जान की फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया है। ओह, अम्मी आपने भी अकाउंट बना लिया? इससे कुछ और काम है मेरा। हाँ पर आप अपने कुछ ही दोस्तों को ऐड कर पाएंगी क्योंकि उनमें से तो काफी गुजर चुके हैं। शुक्र मानो कि मैंने अब जाके ये सीखा है। अगर ये पहले सीखा होता तो अपने बेटे के लिए तुमसे अच्छी बीवी ढूंढ कर लाती मैं। बिल्कुल, दादी जान ने तो बढ़िया गोल मार के चेकमेट कर दिया। इसे बिल्कुल भी ऐड मत करना दोरू। गुड इवनिंग। मुझे इसकी जरूरत। मुराद, क्या सरप्राइज है, आओ बेटा। अगर मुझे पता होता तो मैं सूट नहीं पहनता। किसी पार्टी में जा रहे हैं आप? मैं तो बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आया था। ऐसा क्यों? रुक जाओ ना, वापस आने के बाद हम गप्पे करेंगे। ये तुम्हारा भी घर है और तुम्हें यहीं रहना चाहिए। क्या निजात, मुराद अब बड़ा हो चुका है और इसकी एक पर्सनल लाइफ भी है ना? और वो लाइफ हम हैं।